अमेज़न के जंगलों के बारे में कौन नहीं जानता। यह दुनिया का सबसे खतरनाक जंगल है। इस जंगल में पेड़ इतने लंबे और घने होते हैं कि यहाँ सूरज की किरणें नहीं पहुँचती। अगर बारिश भी होती है तो पानी को नीचे आने में 10 मिनट लग जाता है। और यहाँ के जंगली जानवरों के बारे में क्या कहना, आप अच्छी तरह समझते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद यहाँ पर कुछ और भी है जो पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बना रहता है। माफ करिएगा, इसे आकर्षण ना बोलकर खौफनाक मंजर बोले तो ज़्यादा ठीक होगा। अमेज़न के जंगलों में एक ऐसी नदी बहती है जिसमें अगर कोई गिर जाए तो जिंदा ही उबल जाए। इस नदी को खोजने वाले एंड्रेस रूसो ने इसमें गिरने वाले जीवों की इतनी दर्दनाक कहानी सुनाई है जिसे सुनकर आपकी रूह तक कांप जाए। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट, और आप देख रहे हैं हमारा चैनल ऑल अबाउट अमेजिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस एपिसोड को। पेरू के जंगलों में एक खतरनाक नदी है जिसकी लंबाई 6.4 किलोमीटर्स और चौड़ाई 82 फीट है। 20 फीट गहरी इस नदी के पानी का औसत तापमान हमेशा 86 डिग्री सेल्सियस तक रहता है और कुछ स्थानों पर 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। जियो साइंटिस्ट एंड्रिस रूजो ने इस नदी के बारे में बचपन में अपने दादा से सुना था। जब वो बड़े हुए तो उनकी आंटी ने उन्हें अमेजोन के जंगलों में इस नदी को खोजने के लिए कहा। पहले तो उन्हें यह मनगढ़ंत लगा, लेकिन फिर जब इसकी खोज की तो उन्होंने इस नदी को साल 2011 में ढूंढ निकाला। इस नदी को खोजना उनके लिए इतना आसान नहीं था क्योंकि किसी को भी उनकी इस बात पर यकीन नहीं था। यहाँ तक कि उनके साथियों ने भी उनसे कहा था कि ऐसी कोई नदी नहीं है। पर फिर भी एंड्रेस ने एक किताब लिखकर इसमें इस राज से पर्दा उठाया कि कैसे एक गर्म झरने से पानी निकलने के कारण ये खौलने लगता है। इस नदी का पानी इतना गर्म है कि आप सीधे चाय बना सकते हैं। पहले इस नदी को काल्पनिक नदी माना जाता था क्योंकि वैज्ञानिक नज़रिए से ऐसी कोई नदी नहीं हो सकती थी जब तक उसके आसपास कोई ज्वालामुखी ना हो। लेकिन ये नदी हैरान करती है क्योंकि दूर दूर तक यहाँ कोई ज्वालामुखी नहीं है। इस नदी के सबसे पास वाला ज्वालामुखी 700 किलोमीटर की दूरी पर है जो कि इसके उबलने के लिए जिम्मेदार नहीं हो सकता। रूसो ने जब अपनी आंखों से इस उबलने वाले नदी को देखा तो उन्हें अपने दादा की कहानियों पर यकीन हुआ। इसलिए कहा जाता है कि कहानियां भी कभी सच होती है। कहा जाता है कि यह नदी इस तरह से उबलती है मानो इसे नीचे से कोई गर्म किया जा रहा हो। अगर कोई इसमें आधा सेकंड से भी कम समय के लिए अपना हाथ डाले तो जलने के 3rd डिग्री के घाव हो सकते हैं। यहाँ तक कि इसमें गिरने से किसी की भी मौत हो सकती है। जैसे हमारे शरीर की वीन और आर्टरी में खून बहता है, ठीक उसी तरह से पृथ्वी के दरारों में गर्म पानी बहता है। हालांकि ये नेचुरल है, लेकिन जितने भी जीव इस नदी के आसपास रहते हैं उनके लिए ये किसी नरक से कम नहीं है। एक छोटी सी भी गलती उन्हें भगवान से मिलने को मजबूर कर देती है। रूसो कहते हैं कि मैंने बहुत से जीवों को इसमें गिरते देखा है और उसके बाद जो होता है वो बहुत ही भयानक है। वो कहते हैं कि जब भी कोई जीव इस नदी में गिरता है तो सबसे पहले उसकी आंखें खत्म होकर पक जाती है और उनका रंग नोदिया नजर आने लगता है। जान बचाने के लिए वो नदी से निकलने की नाकाम कोशिश करते हैं, लेकिन पानी इतना गर्म होता है उनकी हड्डियों में लगा मांस पक जाता है। गर्म पानी उनके मुंह और भीतरी अंगों को बुरी तरह से जला देता है। इसके चलते उनकी शक्ति जवाब दे जाती है। रूसो ने इस नदी के ऊपर एक किताब लिखी है जिसका नाम है दी बॉइलिंग रिवर एडवेंचर एंड डिस्कवरी इन अमेजॉन। ये नदी एक पवित्र स्थल में थी जो कि अनसानियन का लोगों का घर है। अनसानियन का के निवासियों के अनुसार ये रहस्यमय सनेट टिम्पिस का सदियों पुरानी है जिसका मतलब है सूरज की गर्मी से उबलने वाली नदी। मयन टाइकू के निवासियों और कुछ मुट्ठी भर रिसर्चर्स के अलावा पूरी दुनिया आज भी इस सच से बेखबर है। लेकिन अब आपको इस नदी के बारे में पता चल चुका है तो कभी 2 पल इस नदी के पास भी गुजार कर आएं। दोस्तों, आपने इस रहस्यमय नदी के बारे में जाना जिसके उबलते पानी का राज आज तक विज्ञान की समझ से परे है। आपका इस बारे में क्या कहना है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई होगी तो इसे लाइक करने के अलावा अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर के साथ शेयर जरूर करें। और अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और उसके बगल में आने वाले बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं जिससे आपको हमारे इस चैनल पर आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो
तो दोस्तों हम मिलते हैं आपको अगले वीडियो के साथ। अभी के लिए जय हिंद।